तो हमने उसको एनालिस किया कि इतना जो फ्री की बिजली है, जो ये हमारा जो अनकंजप्शन बिजली है वो कहाँ जा रही है। हमने देखा कि जितने भी झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं उसके अंदर ये बिजली जो है इलीगल तरीके से चल रही थी। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट लेके आया कि हर किसी को हम फ्री बिजली देंगे और मीटर लगाएंगे बकाया। और आज आपने कल देखा कि बीजेपी का घोषणा पत्र था उसके अंदर वो बोल रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे। जो कभी कहते थे कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटने के लिए, आज वही अरविंद केजरीवाल जी की नीति को अपना रहे हैं। हम तो चाहते हैं देश के अंदर, हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, हम राजनीति में सत्ता पे बैठने के लिए नहीं आए हैं। 100 किलोवाट खरीद रहे थे, आज 80 किलोवाट की हमारी कंजप्शन है। तो इसलिए क्योंकि लोग बचत करने लगे बिजली, जो पहले बिना किसी मीटर के बिजली के कनेक्शन चलते थे, आज सबके यहाँ मीटर लग चुके हैं और सब 300 यूनिट से, गरीब आदमी 300 यूनिट से बिजली नीचे ही चाहता है और वो अपने मीटर की बिजली बढ़ने नहीं देते, इसलिए हम बिजली को बचा रहे हैं। इंस्टाफीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और इस समय मैं हूँ आपके साथ तरुण तायल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से जो है झटका लगा है, यानी कि कहें कि उनकी जमानत याचिका जो है खारिज कर दी गई है। ऐसे में बातचीत के लिए मेरे साथ में मौजूद है आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता नरेश शर्मा जी। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेश जी, क्या लगता है जिस तरीके से अब जमानत याचिका खारिज हुई है, उनकी कहीं ना कहीं की जेल में रहने की अवधि है वो बढ़ा दी गई है, क्या लगता है किस तरीके से चलेगी पार्टी? नहीं, पार्टी तो चल रही है, पार्टी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और कोई किसी भी तरह का किसी ने अड़चन नहीं है। पार्टी अपना काम करती है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के लिए ऐसा नहीं है कि वो पार्टी चलाने के लिए हमारा संगठनात्मक अलग है। संदीप पाठक जी पूरा संगठन देख रहे हैं और हर स्टेट के अंदर पार्टी सुचारू रूप से चल रही है। जिस तरीके से अभी बात बयान सामने आ रहे थे कि कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि बीजेपी में आप आओ, ऐसे बयान सामने आए अपने नेताओं के, तो ऐसे में क्या लगता है कि इन सब मामलों से इफेक्ट पड़ रहा है कुछ? बयान नहीं, सबूत दिखाए हैं और इससे हमारे पार्टी को जो है और मजबूती मिल रही है। जनता को पता चल रहा है कि जो ऑलरेडी दिल्ली के अंदर हम सुविधाएं दे रहे थे, उन सुविधाओं को ये बंद करना चाहते हैं बीजेपी सरकार। और बंद करने का रीज़न ये है कि जो हम फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, और महिलाओं के लिए आपने देखा कि बस यात्रा फ्री है, और फिर हम बुज़ुर्गों को जो है यात्रा, जो देश के अंदर पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने ये सुविधाएं चालू करी, उनको ये बीजेपी सरकार बंद करना चाहती है। और आज आपने कल देखा कि बीजेपी का घोषणा पत्र था उसके अंदर वो बोल रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे। जो कभी कहते थे कि फ्री की रेवड़ियां बांटने के लिए, आज वही अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को अपना रहे हैं। हम तो चाहते हैं देश के अंदर, हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, हम राजनीति में सत्ता पे बैठने के लिए नहीं आए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस राजनीति के अंदर एक ऐसा मुकाम हासिल हो कि लोगों को जो सुविधा है, लोगों को जो टैक्स का पैसा है, उसी पैसे से वापस आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए। नहीं, जिस तरीके से नरेश जी कहा, जैसे कि आपने देखा कि जियो जब फरीदाबाद में जब आई थी, जब उस समय जो है ना फ्री में जो है अपना सब कुछ रिचार्ज फ्री, 3-3 महीने का, साल साल भर तक का सुनने में आया था कि साल भर तक का इंटरनेट फ्री कर दिया है। तो क्या लगता है आपको कि क्या प्लानिंग है आपकी आगे की? जियो की तरह तो बढ़ने की नहीं है ना, कि जिस तरीके से आप देख रहे हो रिचार्ज के रेट, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। तो अब अरविंद केजरीवाल जी की अगर हम दिल्ली में जाएं, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री है, CNG तो बिल्कुल कॉमन चीज़ है, बिल्कुल डेली यूज़ में आ रही है, 10 रुपये का अंतर है, तो क्या है ये? इसका बहुत अच्छा आपने बोला, जियो रिलायंस ही कठपुतली बन चुका है माननीय मोदी जी का। और वो 2 साल के अंदर अंदर पहले पूरा इंफ्रा फैलाया, और उस इंफ्रा फैलाने के बाद में अपने नेटवर्क जो है 4G 5G जो भी लेके आए, उसके बाद में इन्होंने अपने मर्जी मन मुआफिक फ्री में दिया, और फिर बोल रहे थे कि चार्जेस धीरे धीरे। आपने देखा 2 महीने में पहले 80 रुपये का रिचार्ज लेके आए कि आपको ये, फिर उसके बाद 150 रुपये, 200, 300 कर करके आज 550-600 रुपये का आ चुका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को 10 साल हो चुके हैं फ्री में, आप देख रहे हो फ्री बिजली का वो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, ऐसा नहीं है। अगर मैं आज आपको इंटरनली है, लेकिन आपको जनता तक मैसेज पहुंचाना है, इसलिए बता देता हूँ। पहले क्या होता था, पहले की सरकारों में जो बिजलियाँ होती थी उनको इल्लीगल तरीके से कनेक्शन जोड़े जाते थे। और फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हमारी 100 किलोवाट की खपत थी पूरी दिल्ली को जो हम खरीदते थे एग्ज़ाम्पल के तौर पर, और हम जो है कंजप्शन हमारी उतनी उससे ज़्यादा हो रही थी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी आए तो हमने उसको एनालिस किया कि इतना जो फ्री की बिजली है, जो ये हमारा जो अनकंजप्शन बिजली है वो कहाँ जा रही है। हमने देखा कि जितने भी झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं उसके अंदर ये बिजली जो है इल्लीगल तरीके से चल रही थी। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट लेके आया कि हर किसी को हम फ्री बिजली देंगे और मीटर लगाएंगे बकाया। हमने मीटर लगाए तो हमें पता चला कि जो हम जितनी बिजली खरीदते थे उससे भी कम बिजली हमारी कंजप्शन है दिल्ली के अंदर, और पहले ज़्यादा हो रही थी। क्योंकि इससे हमारे को पॉजिटिवनेस आई कि हमने जो बिजली का, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम 100 किलोवाट खरीद रहे थे, आज 80 किलोवाट की हमारी कंजप्शन है। क्यों? इसलिए क्योंकि लोग बचत करने लगे बिजली की, जो पहले बिना किसी मीटर के बिजली के कनेक्शन चलते थे, आज सबके यहाँ मीटर लग चुके हैं और सब 300 यूनिट से, गरीब आदमी 300 यूनिट से बिजली नीचे ही चाहता है और वो अपने मीटर की बिजली बढ़ने नहीं देते, इसलिए हम बिजली को बचा रहे हैं। और जितने भी सरकारी हैं, ऑलरेडी आपने देखा कि हम सोलर पैनल के ऊपर जितने भी सरकारी यूनिट्स हैं उनके ऊपर लगा चुके हैं। और सरकारी के लिए आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी ने
माननीय मोदी जी से पहले ही आज से 3 महीने पहले अनाउंस कर दिया था कि हम जो ये सोलर पैनल लगाएंगे और आपको 5 साल के लिए बिजली में रियायत देंगे और फ्री बिजली रहेगी और उसकी सब्सिडी भी देंगे। तो ये स्कीम तो पहले ही अरविंद केजरीवाल जी लेके आ चुके हैं, तो इससे तो देश के अंदर तो मैसेज यही है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियाँ हैं वो पॉजिटिवनेस हैं। और आपको पानी का भी बताता हूँ, ये पानी जो हम कहते हैं ना फ्री, बेसिकली पहले जो होता था देश के अंदर दिल्ली के अंदर जो था उसके अंदर भी इलीगल कनेक्शन थे, पानी वेस्टेज बहुत ज़्यादा थी। हम इस पॉलिसी को लेके आए, आज मैं इंटरनल है लेकिन जनता की तरफ बताना चाहता हूँ कि हमने क्यों किया ये। उस टाइम मीटर नहीं लगे होते थे और विदाउट मीटर के अंदर आपको जो बिल है 1000 रुपये 1200 रुपये 1500 रुपये महीना देना पड़ता था पानी का। हमने जब उसको कैलकुलेशन निकाली तो वो क्या होता था, गाड़ियाँ भी धो रहे हैं रोड पे या और भी बहुत सारी चीज़ों में पानी वेस्टेज होता था। हमने बोला कि आपको एक सर्टन लिमिट में पानी हम फ्री देंगे, आप इस लिमिट के अंदर रखेंगे तो मीटर अपना सही करवाइए और जिसका मीटर नहीं लगा हुआ मीटर लगवाइए। तो लोगों ने सोचा कि ये मीटर लगवा के हमें इतना लीटर तो पानी मिलेगा, 0 बिल आए, लेकिन उससे हमारा जो वाटर लेवल है वो बढ़ा। और वाटर लेवल बढ़ने के बाद हमें ये पता चल गया कि हमारे दिल्ली के अंदर बिजली की और पानी की जो कंजप्शन कितनी थी उससे पता चला। तो ये डेटा का काम है, हम लोग पूरा तरीके से काम करते हैं, पढ़े लिखे लोगों का यही फ़ायदा है कि कम से कम पूरा एनालिसिस निकालने के बाद ही आते हैं।